और श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। मकान की किश्त न देने के कारण उन्हें बैंकों से नोटिस आ रहे हैं। वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण स्कूल वालों ने भी बच्चों को चेतावनी दे दी है। लेकिन दिल्ली सरकार असंवेदनशील हो चुकी है, अपने दायित्वों की जानबूझकर अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने फंड रोक दिया है और उनका कारण नहीं बताया है। पिछले 5 महीनों से हम अपने 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाए, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है। हालात यहां तक हो गई है कि हमारे कर्मचारियों को दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। वो अपने मकान की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों से नोटिस आने चालू हो गए हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से नोटिस आने चालू हो गए हैं, बच्चों को कहना चालू कर दिया कल से फीस लेके आइए नहीं तो आपको स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के सैनिटाइजेशन किया, दवाइयों का छिड़काव किया। हमारी जो शिक्षिकाएँ थीं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जो जरूरतमंद लोग थे, जिनको राशन की आवश्यकता थी, जो केंद्र सरकार से राशन आया था, उस राशन का वितरण लगातार अपनी जान जोखिम में डाल के किया। उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।